मथुरा के वृंदावन में जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन कमेटी के आपसी सामंजस्य के बाद भगवान बांके बिहारी के कपाट 7 महीने बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना काल में बंद हुए मंदिर के कपाट 17 अक्टूबर को न्यायालय के आदेश के बाद खोले गए थे, लेकिन भीड़ के दबाव के चलते कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन न होने के कारण मंदिर के कपाट 19 तारीख को आम भक्तों के लिए एक बार फिर से बंद कर दिए गए थे, जिसको लेकर वृंदावन के स्थानीय लोगों में, साधु संतों के साथ कृष्ण भक्तों में काफ़ी उबाल था और इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन विरोध भी जारी था। लेकिन इसी बीच कृष्ण भक्तों ने न्यायालय में भी वाद दायर कर भगवान बांके बिहारी के कपाट जल्द से जल्द खोलने का आग्रह किया। न्यायालय ने वादों के निस्तारण के दौरान कहा कि न्यायालय में पूर्व ही 15 अक्टूबर को मंदिर को खोले जाने के आदेश दे चुके हैं, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने का भी अदालत ने निर्देश दिया था। किसी भी मामले में एक बार आदेश होने के बाद पुनः उस पर आदेश करना न्याय संगत नहीं है, लिहाजा उसी आदेश को अनुसरण करते हुए मंदिर प्रबंधन को तत्काल मंदिर खोलने के आदेश 23 अक्टूबर को दिए थे। न्यायालय के इसी आदेश के बाद जिला प्रशासन एवं प्रबंधन में हड़कंप मच गया और उन्होंने लगातार मीटिंग और व्यवस्था को करते हुए 25 अक्टूबर को भगवान बांके बिहारी के कपाट खोलने का ऐलान किया था, जिसके दृष्टिगत रविवार को भगवान बांके बिहारी के कपाट खोले गए। इस दौरान भक्तों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आराध्य के दर्शन किए। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सैनिटाइजर व अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। इस संबंध में मंदिर प्रबंधन ने बताया कि व्यवस्थाओं को कोर्ट के आदेश के मुताबिक रखा गया है। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, साथ ही मंदिर और मंदिर के बाहर गोले घेरे बनाए गए हैं, जिसमें भक्त खड़े हुए हैं और अपने दर्शकों के इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए ही व्यवस्थाएं हैं और उसी के मुताबिक भक्तों को दर्शन सुलभ हो रहे हैं। 2 महीने से रह रहे, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं खुले और एक दिन तक दर्शन नहीं। और बाकी आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी जो भी दर्शन करने जा रहा है थोड़ी दूरी बना के रखा, अपनी भी सेफ्टी दूसरे की भी सेफ्टी। प्रशासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुक्रम में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी दर्शनार्थी आ रहा है उसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन इत्यादि सभी नियमों का पालन करना होगा और सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाए जा रहे हैं समुचित तरीके से व्यवस्था के अधीन। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी के मंदिर आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बड़े काफ़ी लंबे अंतराल के बाद खुल रहे हैं। करोड़ों लोगों की इस आस्था के केंद्र पर हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो स्थानीय हो चाहे से बाहर से हो, उनके सुगमता के साथ, सरलता के साथ और सुरक्षा के साथ उसके दर्शन हो सकें और साथ ही साथ कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके जो नियम हैं, वो भी पालन हो सकें, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र की गई है। अलग से एंट्री और एग्जिट गेट रखे गए हैं, सभी को मास्क पहनवाया जाना अनिवार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और उचित दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका भी पालन करवाया जा रहा है। हमने और DM साहब ने स्वयं लाइन में लगकर इस व्यवस्था को चेक किया है। बहुत सरलता से, बहुत आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं। आप निरीक्षण कर सकते हैं, दूर दूर तक हम लोगों ने गोले बनवाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। इसी प्रकार से मंदिर के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये विनम्र अनुरोध किया गया है कि वो मास्क पहन के आए और उसका अनुपालन भी हो रहा है। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा अनुपालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, इन लोगों की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और चाहे स्थानीय दर्शनार्थी हों और चाहे बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, सब लोगों को दर्शन यहाँ पे सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा, इसके लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था की है। बस जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ये प्रार्थना है, ये अपील भी है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुपालन में स्वयं भी आत्म अनुशासन बरतें।